गैप ही नहीं है। आज इस वीडियो में वेट पहले एक ना टाइम ट्रेवल कर लेते हैं। दिस इज मी इन 2015 MBBS सेकंड प्रोफ और ये 2019 MS ऑर्थो फर्स्ट ईयर। आज है 17 नवंबर एंड दिस इज मी अगेन डॉक्टर अंकुश बेरवाल ऑर्थोपेडिक सर्जन। और आज एक साल बाद पोस्ट MS आफ्टर अटेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट मोर देन थाउजेंड ऑफ प्रोसीजर लिटरली ट्रीटेड एवरी सिंगल बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मे बी नाउ आई एम इन अ बेटर पोजिशन टू शो यू माई फेलो फ्यूचर डॉक्टर एंड सर्जन हाउ लाइफ हैज चेंज्ड फॉर मी और एक रियलिस्टिक पिक्चर हाउ आई हैंडल थिंग्स अराउंड मी, चाहे वो OPDs हैं, emergencies हैं या फिर माई साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन टूवर्ड्स अ प्रोसीजर। आई होप दिस इज गोइंग टू बी मीनिंगफुल फॉर यू। एंजॉय द वीडियो। यार मैं दूसरे प्रोग्राम पर आ गया, अब आइसोलेशन पे ध्यान दूंगा, एंगल देखेंगे। आज यूजुअल डे स्टार्ट कर रहे हैं जिम से, फिर उसके बाद करेंगे OPD और कुछ केसेस भी हैं। एक नी रिप्लेसमेंट का केस रखा है, उसके साथ और भी एक दो ट्रोमा आए हैं रात को, पर पहले चाहिए अपने को थोड़ा डोपामिन, बॉडी को पंप करते हैं। अभी तो कुछ इम्प्रूवमेंट करी है, करनी है ये पूरी वर्जिश करना है पूरा, ऐसे पूरे नमस्ते ऐसे और पूरे उल्टे नमस्ते ऐसे, ठीक है, करके दिखाओ कितना हो रहा है। एक सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने MS के टाइम पे सीखी, ऑफ कोर्स एक सर्जन के लिए OT और प्रोसीजर दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, बट दैट इज नॉट वेयर द गेम स्टार्ट होता है OPD से। दिस इज वेयर यू बिल्ड रिलेशनशिप। Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Holding on too long and unresolved questions. इसको कर पूरा पूरा पूरा, very good. जितना बचा हुआ है ना अपने हाथ से करना है, ठीक है, सीधा पूरा होना चाहिए, मुड़ना अपने हाथ से, ठीक है। ऑफ कोर्स आपके पास वो सेम इशू सेम मेडिकल कंडीशन बार बार आएंगी और हर एक को समझाना भी पड़ता है। अच्छा, उसके बाद में जाजपुर का डॉक्टर है, उसने गिलास ग्लूस लगाई। वो डॉक्टर थोड़ी है, वो देसी है, ये देसी काम खराब कर देते हैं। हाँ, उन्होंने गिलास ग्लूस लगाई थी, ये ज्यादा गांठ बंधेगी, इसमें सौदन भी आ रही है। चलो कोई ना, उनको दिखाना नहीं चाहिए नई चोट तो, खासकर दैट डिमांड्स अ बिट ऑफ टेम्परामेंट एंड एट दिस मोमेंट आई फील लकी that I had crazy volume of OPDs during my post graduation और वहीं से एक appetite build हो गई थी और अब मैं एक ही ground rule follow करता हूँ that I will try to keep the same approach for my last and first patient। अच्छा, फिर आराम से चलूंगा। ई बी एन जी को एक गोली पहले फिर शाम ग्यारह बजे फिर ली दो। हाँ, ई बोल लेनी दवाई जरूरी है। टेढ़ी कर तो चल रहा है, घड़ी नहीं बंगी बंगी होगी। अच्छा, चल पहला ठीक चला रही, पहला वर्गा झाड़ना ही ठीक से। हाँ, टेढ़ी टेढ़ी ठीक होनी। MS के टाइम पे फर्स्ट सेकेंड ईयर में सोचते थे कि रिप्लेसमेंट कब मिलेगी, कोई स्टेप ही मिल जाए, पर जब तक रिप्लेसमेंट नहीं की थी तो लगा था कि क्या ही प्रोसीजर है। गैप नहीं है।
ज़्यादा दिक्कत ना हो। बट केस बाई केस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट रिप्लेसमेंट सर्जरी इज लाइक एन आर्ट। यू आर लिटरली क्राफ्टिंग अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। Won't let go of me. This old habit's got a grip. मतलब रिप्लेसमेंट सर्जरी एक ऐसे एग्जाम की तरह है वेयर नथिंग इज आउट ऑफ सिलेबस। सब प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है, पर सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो अटेंशन मांगते हैं, सीरियस अटेंशन। This kind of surgery is more like a coordination between you as a surgeon and those hard-working people around you. And I am lucky enough that every single person in that operating room is honestly trying to make it a successful procedure. You got me all money. उसके बाद तो it's like a rhythm. सबसे पहले नी जॉइंट को ओपन करके फिर जॉइंट कार्टिलेज विजुलाइज करते हैं, देन वी मूव ऑन टू डिस्टल फीमोरल कट एंड प्रोक्सिमल टिबियल कट, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पे आते हैं जो कि है ट्रायल इम्प्लांट के साथ स्टेबिलिटी चेक करना, और फाइनल स्टेज पे सीमेंटिंग और इम्प्लांट प्लेसमेंट। ये बता, ये दर्द जमा नहीं? एक केस तो हो गया, ठीक है यार। दूसरा एक वोलर बार्टन आया हुआ है, वो करना था, पर उसको हेड इंजरी का कंपोनेंट आ रहा है, थोड़ा सा नोजिया हो रहा है, तो एक बार न्यूरो सर्जन को दिखा लेते हैं। टुटनी के थोड़ा लेस फंक्शनल था हमारा, तो थोड़ी ब्लीडिंग हो रही थी स्टार्टिंग में, और फिर कंट्रोल हुआ विद टाइम, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे अच्छा हुआ ऑपरेशन। इससे सिस्टर का नाम भी लिख दिया सिस्टर, सिस्टर अमित, सिस्टर बंसी। अच्छा अच्छा, कोई ना, आ गया मैं, चलो नो दिस पेशेंट है वो और देख लेते हैं, लगाओ इतने कोई बात नहीं। अगर प्री ऑप देखे ना तो देखो इसमें ये मीडियल जॉइंट स्पेस है, ये लेटरल जॉइंट स्पेस, ये मीडियल जॉइंट स्पेस कम हो गया है, और इसमें ये हड्डी सी जो बाहर सी आई हुई है, बनी हुई है, इसे बोलते हैं ऑस्टियोफाइट। लेटरल में देखो सब कॉन्ट्रल स्क्लेरोसिस वाइटनिंग सी दिख रही है ना, ये हुआ, ये ऑस्टियोफाइट, ये पटेला पे भी था, तो ये सारे ये टिपिकल फीचर हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। अगर आप पोस्ट ऑप देखिए इस साइड, ये जॉइंट स्पेस है ये नाइसली मेंटेन्ड है, ऑस्टियोफाइट अपन ने रिमूव कर दिया था, a joint looks to be very stable. Now back to the video. ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिस्टम सॉन्ग हो या चलू है अभी? हाँ, वो डिस्टल एंड रेडियस। अभी एक और केस आ गया है, उसको बहुत बोल लग गया, वो खेत में काम कर रहा था, गिर गया ऊंचाई से। ऑर्थोपेडिक्स एज ए ब्रांच, इसकी एक खास बात है, इस ब्रांच में एक थ्रिल है। साल का एक टाइम था जब मैंने सारे केस कर लिए थे, लिटरली एवरी सिंगल प्रोसीजर, देन आई फेल्ट
कि आई एम गुड एट दिस, पर फिर कोई नया चैलेंज आ गया। राइट एंगल, राइट एंगल नहीं है, बोन लीवर। उस चैलेंज को ओवरकम किया, यू स्टार्ट फीलिंग बेटर अगेन। और ये फील गुड और चैलेंज का जो साइकिल है ना, ये चलता रहता है। अभी ठीक है, पकड़ पीछे कर ले सीखो। बिकॉज देर विल ऑलवेज बी समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू हैव नेवर सीन बिफोर। नहीं, ये तो मोस्ट टाइम है, and then I realized that I am not a master of this. I am still and will always be a student of orthopedics. थोड़ा कदम चला चला, ठीक है, ठीक लगे तो ठीक है बेटा। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तू अभी ले जाओ उनको, मैडम होंगी ना, मैडम को लिखो। और यहाँ तक वीडियो देख लिया और सब्सक्राइब नहीं किया तो बेमानी हो जाएगी। चलो भाई चलते, आज का तो काम हो गया।